सर कोई सिंगल कर मुझे एक सिंगल सीट आपका सिंगल क्लोज आ जाते हैं ना यस सर यहाँ पे लुक ले लिया कौन से ऐसे भी ले लीजिए थैंक यू यस सर लुक यहाँ पे सर देखते हैं क्या आपको बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया वाह 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 जरूरत नहीं काटने की लगा दी यस सर ओके सर थैंक यू गाइस थैंक यू थैंक यू थैंक यू एज अ कैप्टन ऑफ द शिप सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है फिल्म के अंदर और थोड़ा सा अगर बताएं फिल्म के बारे में हमारी ऑडियंस को अभी जैसे कि ट्रेलर आप लोगों ने देखा फिल्म सस्पेंस थ्रिलर और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट से भरी हुई है आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है जो भी ऑडियंस देखेगी उसको मज़ा आने वाला है थिएटर में फिल्म का जो बेसिक की मर्डर मिस्ट्री इसमें है और अमन सर ने उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है पुलिस कॉप का और अपनी अनु मित्रा जी इसमें मेन लीड एज ए फीमेल उन्होंने किया है अंकित बाटला एंड आर्य बब्बर इन लोगों ने एज ए मेन लीड किया है इसमें मेल और फिल्म के बारे में देखिए ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊँगा बट क्योंकि अगर सारा यहीं बता दिया जाएगा तो शायद सस्पेंस ही ख़त्म हो जाएगा बट ट्रेलर से आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा कि ट्रेलर में हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं फिल्म का हम लोगों का क्या ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट है फिल्म बहुत अच्छी है हम लोगों ने नैनीताल में शूटिंग की है इसकी -4 डिग्री टेम्परेचर में हम लोगों ने लास्ट ईयर सेम मंथ हम लोग फरवरी में शूटिंग कर रहे थे अमन जी हमारे साथ में थे और बहुत मज़ा आया हम लोगों को काम करने में एग्जैक्टली फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अलग थलग सा कि दो अजनबी जैसे आपको पता चल रहा होगा कि दो अजनबी मतलब दो लोग ऐसे जो कि एक दूसरे से अनजाने हैं सडन मिलते हैं दो एक्चुअली इसमें क्या ना दो अजनबी हीरो हैं एक्चुअली दो एक्टर दो अजनबी हैं हीरो और हीरोइन दो अजनबी नहीं हैं इसमें अंकित बाटला और आर्य बब्बर दो अजनबी हैं जो कि एक दूसरे से सडन मिलते हैं और कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि लड़की को लेकर पूरा क्लैशेस हो जाते हैं दिस इज अ टाइप ऑफ लाइक मर्डर मिस्ट्री स्टोरी है बाइक सर ट्रेलर तो अच्छा है साथ ही हमने देखा कि लोकेशंस काफ़ी अच्छी है गानों में हमने देखा और जो आपने ट्रेलर में दिखाया लोकेशंस सर तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कहाँ की लोकेशंस है और शूट करना कितना एंजॉय किया एक्टर्स सबके बारे में एक्चुअली शूट करने में तो बहुत मज़ा आया एग्जैक्टली हम लोग अभी अमन सर और हम लोग अभी यहाँ बैठ के वही डिस्कस कर रहे थे कि इट वॉज वेरी अमेजिंग क्योंकि हमारे लिए बहुत नया था और नैनीताल जहाँ मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना स्नोफॉल होगा एग्जैक्टली पहले क्योंकि मैं नॉर्थ से ही हूँ तो वहाँ पता है मेरे को स्नोफॉल होता है बट इतना और इस लेवल का स्नोफॉल होगा ये हम लोगों को नहीं पता था और नैनीताल मतलब कहते हैं तालों में ताल नैनीताल और जब हम लोगों ने प्लान किया शूट का तो देन एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ ऐसा लग नहीं रहा था कि स्नोफॉल होगा बट जैसे हम लोगों ने बात की वहाँ के होटल्स वालों से कि क्या स्नोफॉल होगा उन्होंने कहा मे बी सर इस बार हो सकता है क्योंकि अभी कोविड के बाद क्या है कि मौसम बहुत क्लीन हुआ है एटमोसफेयर में चेंजेस आए हैं तो हो सकता है इस बार जो है स्नोफॉल और जब स्नोफॉल हम लोग पर्पज़ ये था कि हम लोगों को स्नो में शूट करना था बिकॉज़ की स्टोरी जो थी हम लोगों की वो उस टाइप की थी मर्डर मिस्ट्री की यार थोड़ा ऐसा एटमोसफेयर मिलेगा तो हम लोग कुछ अच्छा बना पाएंगे एग्जैक्टली एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि हम लोग एकदम उम्मीद तोड़ के बैठ गए थे कि शायद स्नोफॉल अब नहीं होगा क्योंकि एकदम से मौसम चेंज हो गया था सडन जब स्नोफॉल स्टार्ट हुआ तो मतलब चेंज अचानक ही हुआ मतलब अनएक्सपेक्टेड था और इतना स्नोफॉल हुआ कि जिसने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और आप देख रहे होगे आपने जब लोकेशन आप ट्रेलर वाइज सॉन्ग में देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि नैनीताल जैसे शहर का तो हो ही नहीं सकता कहीं बाहर का ही है एग्जैक्टली तो बहुत मज़ा आया शूट करने में हम लोगों को सर अमन सर आपसे जानना चाहूँगा जितना हमने देखा पुलिस कॉप का किरदार निभाया थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या शेड्स होंगे
कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में काम करने का, और जैसे सर बता रहे कि लोकेशन पे और एक्टर्स के साथ बहुत एंजॉय किया है? आई थिंक मैं इतने दिन तो वहाँ पे था नहीं, शायद 4-5 दिन मैंने शूट किया था, लेकिन वो 4-5 दिनों में ही बर्फ़ भी गिर गई, ठंड भी हो गई, और भाई साहब ऐसी ऐसी जगह ठंड लगी जो मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था, मतलब हालत ख़राब हो गई थी, बट मज़ा आया। आई थिंक जो लुक है जो आपने ट्रेलर में भी देखा है, वो स्नो का गिरना, पूरा वाइट कलर एंड उसमें परफॉर्म करना, एक तो दिक्कत और परेशानी होती है, बट सिनेमैटिक लिबर्टी के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो आई थिंक जहाँ तक लुक की बात है, वी हैव कैप्चर्ड द बेस्ट लुक एवर, एंड एज अ परफॉर्मेंस वेल, सीधा साधा एक पुलिस ऑफिसर है, और जैसे कि संजीव जी ने कहा कि मर्डर मिस्ट्री है, और मर्डर होता है, किसका होता है ये तो जब आप लोग फिल्म देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा। एंड ऑफकोर्स सरफिरा आदमी है, थोड़ा अक्खड़ है, थोड़ा सा तेज़ बोलता है, और बदतमीजी के लेवल तक पहुंच जाता है, तो एक अलग शेड इस पुलिस ऑफिसर को देने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट नो वेदर इट्स गोइंग टू बी पॉसिबल, बट आई एंजॉयड वर्किंग ऑन इट, एंड आई एम श्योर कि कुछ अलग निकल के आएगा फॉर श्योर। एंड इट्स अ मर्डर मिस्ट्री, एंड व्हेन यू सी द फिल्म दैट इज़ अ टाइम आप रियलाइज़ करेंगे कि कहानी क्या थी और क्या बन गई, एंड इवेंचुअली खूनी कौन है। तो कहानी यहाँ बताएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर तो बनाने का कोई मक्सद ही नहीं है, हम अपने घर में बैठ के देखेंगे लोग तो देखेंगे नहीं फिर। जी सर, टॉकिंग अबाउट एक्टर्स, क्या कहना चाहेंगे, आर्या बब्बर जी है, अंकित है, फिर जो है मैम है, क्या कहना चाहेंगे? वेल आई एम इट्स फॉर्चुनेट दैट आई हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ प्रोजेक्ट वेयर यू हैव सच फाइन एक्टर्स। सो आर्य बब्बर हैज़ बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अंकित बाटला, यू नो आई उनका टेलीविजन के 2-3 मैंने प्रोजेक्ट्स देखे हैं, ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अनु जी जो हैं उनका काम बहुत ही बेहतरीन रहा है, दो शी इज़ अ न्यू कमर, शी इज़ प्रोड्यूसिंग इट, बट फाइन ब्रीड ऑफ एक्टर्स एंड फाइन ब्रीड ऑफ पीपल एंड फाइन ब्रीड ऑफ डायरेक्टर दैट आई वर्क विद। सो आई हैव बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि एक अच्छा प्रोजेक्ट मुझे मिला, उसमें यू नो एक इट्स समथिंग लाइक अनदर फेदर इन माई कैप, कि मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि मैं इस ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ पाया। अनु मैम, आपसे जानना चाहूंगा कौन सा जॉब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, एज अ प्रोड्यूसर या एज अ एक्टर, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं, और कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल फिल्म का? एज अ प्रोड्यूसर तो हेक्टिक है, एज अ एक्टर मैं बोलती हूँ बेटर है कि थोड़ा रिलैक्स कर लो देन काम कर लो, बट प्रोड्यूसर कैसा है कि फुल ऑन जब तक ये फिल्म रिलीज़ नहीं होती, थिएटर तक नहीं आती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती है। और कैसा एक्सपीरियंस रहा एज एन एक्टर? अमन सर है, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, अंकित है, अंकित ने टेलीविजन में बहुत काम किया है, आर्या बब्बर है, बहुत एक्सपीरियंस एक्टर है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इन एक्टर्स के साथ काम करना? मैं तो थैंकफुल हूँ क्योंकि इतने ब्रिलियंट, इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, एंड ऑब्वियसली अमन सर के साथ काम करना मतलब ड्रीम कम ट्रू। आर्या बब्बर इज़ ऑल्सो लाइक, मैं उनसे मैंने इन लोगों से मैंने सीखा बहुत है, मतलब जितना मैंने किया है इन्हीं के लिए किया है कि ये कर पाए, करवा पाए। देखो मैंने फिल्म को एडिट किया है, ग्रेडिंग किया, VFX किया, और एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें ये थी कि मेरे को एक्टर्स से ज़्यादा रिटेक नहीं मिले तो काम करने बहुत मज़ा आया, कंटिन्यूटी सबकी अच्छी थी। और इसके अंदर कैसा हम लोग ने बताया कि कुछ हद तक स्क्रिप्ट जो ये लेके आए थे उसमें भी हमने बहुत एडिट टेबल पे चेंजेस करके उसको और मिस्टीरियस बना और सस्पेंस वाला बना। और आपको इसमें ये भी देखने मिलेगा कि फर्स्ट हाफ कुछ और है, सेकेंड हाफ कुछ और है, इतना सस्पेंस से भरा हुआ है, और बहुत अच्छा लगा मुझे एडिट करने के लिए और इनको पोस्ट प्रोडक्शन संभालने के लिए। और मूवी काफ़ी ही अच्छी और आपको ज़रूर पसंद आएगी जब आप रिलीज़ करो, देखोगे तो रिलीज़ होगी। सर कब रिलीज़ करने का प्लान है फिल्म का और कितने थिएटर्स में रिलीज़ करने का? रिलीज़ करने का हम लोगों का जो प्लान है वो मार्च में है, एंड
स्क्रीन्स पे वही अराउंड हम लोग ट्राई कर रहे हैं अभी कि 300-400 स्क्रीन्स पे लेके जाएं फिल्म को फर्स्ट वीक के अंदर, एंड बाकी तो डिपेंड करता है कि कितना जो है अच्छा परफॉर्म करती है बॉक्स ऑफिस पे। होप्स वो अच्छा ही करेगी क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है और सब ने अच्छा किया है, तो डेफिनेटली इट विल। अमन सर, आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप बहुत सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा है, इन दिनों जो है फिल्मों का बुरा दौर से अच्छा दौर शुरू हो चुका है, जैसे लोग पहुंच रहे थिएटर्स में, तो आपको लगता है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनके जो हौसले हैं और बढ़ेंगे अच्छी अच्छी फिल्म बनाने के लिए, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताएं? देखिए, मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारी इंडस्ट्री का कोई बुरा दौर कभी आया था। एक फेज़ होता है जब मे बी थिंग्स डोंट वर्क आउट, तो मे बी आर इंडस्ट्री वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन सी चीज़, एंड कोविड का दौर भी चल रहा था, एक मुश्किल दौर था सबके लिए, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई दूसरी इंडस्ट्री हो। सो आई डू नॉट फील, यस मे बी जो प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, जो डायरेक्टर्स सोच रहे थे, शायद उस समय वो क्लिक नहीं हो रहे थे, बट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट हमारी जो इट इज़ रॉन्ग टू से साउथ इंडियन इंडस्ट्री, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री हमारी एक ही मानी जानी चाहिए, लेकिन हम उसे कैटेगराइज कर देते हैं कि वो बंगाल से है, ये तमिलनाडु से है, ये केरला से है, तो उनकी फिल्में अ लिटिल ओवर द टॉप, हीरोइज़म वहाँ ज़्यादा होता है, एंड वहाँ जो एक फॉलोइंग भी है एक्टर्स की, कल्ट फॉलोइंग है, जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उस लेवल की नहीं है। बट अगेन विद द रिलीज़ ऑफ पठान, आई थिंक आई वाज सो हैप्पी कि एक ऐसी फिल्म जो इतनी चली है, क्योंकि एक फिल्म चलती है तो इतने सारे प्रोड्यूसर्स की हिम्मत होती है कि भाई चलो इंडस्ट्री शुरू हुई है, अब हम वापस फिर से खड़े हो जाएंगे। सो एक फेज़ रहा था जहाँ पे मे बी प्रोजेक्ट्स क्लिक नहीं हो रहे थे। हमारे यहाँ पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास कंटेंट नहीं है या मेकर्स नहीं है या परफॉर्मर्स नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। वो चीज़ उस समय क्लिक नहीं हो रही थी, अब ये चीज़ अभी क्लिक हुई है, एंड आई एम श्योर कि जैसे जैसे चीज़ें खुलती रहेंगी, यू नो, लोग और वापस थिएटर की तरफ आएंगे और फिल्में बनेंगी और पीपल विल वॉन्ट टू, मेरे लिए व्हेन आई वॉच अ फिल्म आई वॉन्ट टू वॉच इट ऑन द बिग स्क्रीन, मेरे लिए वो एक मोबाइल पे इतने में देखने में या टेलीविजन में देखने में वो उसका मज़ा ही नहीं है। यू नो, यू नीड साउंड टू सराउंड यू, यू नीड द राइट काइंड ऑफ इफेक्ट, द राइट म्यूजिक, द राइट कलर, द राइट एक्टर्स, द राइट फ्रेम, तो और कहानी अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस ब्रिलियंट होना चाहिए। तो एक दौर है, वो दौर मेरे हिसाब से निकल गया है, एंड नाउ जो भी होगा बढ़िया होगा और पॉजिटिव। नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ वर्ल्ड वाइड इट हैज़ टच्ड ओवर 800 वर्ल्ड वाइड। हाँ, तो 850-900 मतलब हज़ार की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं तो चाहता हूँ हज़ार क्या हो, 10,000 बढ़े, ताकि और हज़ारों फिल्में बने, हम और आप मतलब हमें बैठने की मतलब फुर्सत ना हो, इतना काम हो, इतनी इंडस्ट्री हमारी बड़ी हो। आई थिंक पॉजिटिविटी अगर आपके दिमाग में होगा, अगर आप हमेशा सोचेंगे अच्छा होगा, आगे जाके अच्छा ही होगा। सर, थोड़ा सा एक अलग सवाल जानना चाहूंगा, अभी जो है रिसेंटली एमसी स्टैंड बिग बॉस जीत गए, क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि आप बहुत सालों से इंडस्ट्री से जुड़े हैं। आई नो, आई वाज आल्सो इन बिग बॉस 9, बहुत से लोगों ने वेल आई थिंक देखिए बहुत सी ये एक बेसिक चीज है, टुडे आवर कंट्री मोर देन 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री टुडे is under the age of 35 and below. So we are a very young country today. Very, very young. So MC Stan falls in that category, जहाँ पे जो youngsters उनके साथ हैं, उनकी जो उम्र है, जिस तरह के वो गाने बनाते हैं, अभी यही चीज़ अगर आप somebody who loves किशोर कुमार, somebody who loves सोनू निगम, somebody who loves आर डी बर्मन, somebody who loves those old जिनके गानों पे मैं बड़ा हुआ, I don't understand. मतलब मेरे लिए MC Stan के गानों को समझना इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट मैं ये भी जानता हूँ कि उसकी अपनी एक फॉलोइंग है, लोग उसे पसंद करते हैं, एक एज ब्रैकेट है, एक एज ग्रुप है, उनके गाने में भी 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80 वो लोग शायद पसंद नहीं करेंगे, 35 वाले भी शायद नहीं। आई सपोज दैट द यंग अगेन, यू नो, यंगस्टर्स का क्या है, उनको कुछ नया चाहिए। सो MC Stan हैज़ अ कनेक्ट विद पीपल, और वो कनेक्ट इतना एविडेंट है कि वो बिग बॉस जीते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत लोगों ने जो पैसे हैं अलग अलग कंटेस्टेंट्स पे लगाए थे, MC Stan पे किसी ने पैसे नहीं लगाए थे, ये सारी दुनिया जानती है। बट अगेन, लोग अगर आपको पसंद करते हैं तो
कुछ भी हो सकता है। डायरेक्टर सर, मेरा आपसे सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ, आमिर सर ने भी बोला कि एक फिल्म होनी चाहिए, इंडियन फिल्म एक होनी चाहिए, अब ये वक्त है कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को कि ऐसी फिल्म बन जाए जो इंडियन फिल्म हो, हर एक भाषा में रिलीज होनी चाहिए, तो ये ना हो कि बॉलीवुड की है, साउथ की है, एक फिल्म हो। देखिए, जो भी डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्में कर रहे हैं, मेकर्स, हर मेकर का सपना ये होता है कि फिल्म तो एक ही हो और वो पैन इंडिया हो। अभी क्या है कि बहुत सारी ऐसी इंटरनल चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग बाहर से नहीं जानते हैं। एग्जैक्टली क्या है, जैसे कि अभी अभी एक क्वेश्चन किया था कि हमारी फिल्म जो है कितने स्क्रीन्स पर रिलीज़ हो रही है, तो क्या होता है कि स्क्रीन्स पर फिल्म, स्क्रीन्स के ऊपर फिल्म को लेकर के जाना, और वो भी फिर रीजनल लेके जाना, लाइक जैसे कि अभी साउथ के अंदर जा रहे हैं हम लोग या वेस्ट बंगाल जा रहे हैं इस तरफ, तो होता क्या कि वहाँ बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम इतनी आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। या तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो भी ऑल इंडिया होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। होता क्या है कि इसमें कि जब हम फिल्म को लेके जाते हैं पैन इंडिया, तो हर जगह अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, उनको उनके टेस्ट की ही फिल्म चाहिए, और उन्होंने एक माइंड मेकअप कर दिया है कि साउथ के अंदर उनको साउथ वाला ही कॉन्सेप्ट वो पेश करेंगे, तभी साउथ वालों को पसंद आएगा। हाँ, ये अभी एक थोड़ा सा चेंज आया है कि हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने, मतलब अभी मैं थोड़ा सा अलग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी इंडस्ट्री ने स्टार्ट किया कि किस तरीके से साउथ की फिल्मों को ला करके हमारे यहाँ हिंदी के अंदर प्लेसमेंट किया जाए, उनको डब किया जाए, डब करने के बाद में इंडिया यहाँ ऑल जो है ओवर रिलीज़ किया जाए। ये स्टार्ट, ये जो पहला कदम बढ़ा था वो बॉलीवुड की तरफ से टॉलीवुड की तरफ बढ़ा कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ से लोग लेकर के आए, उनको डब किया और रिलीज़ कर दिया। लाइक बाहुबली सबसे बड़ा जो है कह सकते हैं कि बड़ा बिगेस्ट प्रोजेक्ट था जिसने कि सिनेमा के ऊपर अपनी एक इतनी बड़ी छाप छोड़ दी कि जिसको शायद ब्रेक डाउन कर पाना अभी तक बहुत मुश्किल हो रहा है फिल्मों के लिए। बट क्या हुआ, वो फिल्म हिंदी के अंदर आई, लेकिन हिंदी की फिल्मों को अदर लैंग्वेज में ले जाने के लिए, उनको रिलीज़ करने के लिए प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, उतने सफिशेंट प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। ये बस एक मुश्किल पॉइंट है जिसकी वजह से ऑल इंडिया फिल्में जो है पैन इंडिया फिल्में फंस जाती हैं। बिकॉज आई एम फेसिंग, मैं कंटिन्यूसली फिल्में कर रहा हूँ, अभी मैं लास्ट मंथ फिल्म करके आया, अभी भी मैं 20 से शूटिंग करने के लिए जा रहा हूँ, ये फिल्म मेरी रिलीज़ हो रही है अभी, बिफोर 3 मंथ्स मेरी गोताखोर रिलीज हुई, कंटिन्यूसली आई एम डूइंग द मूवीज़। बट क्या है कि इतना मार्केटिंग और ये सब इतना हो गया है कि जिससे निकल पाना एक छोटे प्रोड्यूसर के लिए बहुत मुश्किल है। बिग प्रोड्यूसर्स के लिए भी अगर हम बात करें तो वो ये है, अगर उसमें ऐसा कुछ आना चाहिए कि लाइक अभी UFO है, उसने क्या किया, जब हमारा ये डिजिटल हुआ, पहले तो क्या होता था कि सब कुछ रीजनल जैसा ही था कि एक एक जो है रील जाया करती थी सिनेमा में और रिलीज हुआ करती थी, ऐसा ही होता था। धीरे धीरे फिर उसको एक जगह लेके आए कि नहीं, अभी UFO के अंदर लेके जाओ या क्यूब या केसरे सरे लेके जाओ और यहाँ से फिल्म ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हो जाएगी और वहीं से फिल्म चालू हो जाएगी। यही चीज़ एक डिस्ट्रीब्यूशन में भी आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठते हैं, उनको हम लोगों को अलग अलग डील लॉक करना होता है, हम लोगों को रीजनल लॉक अलग करना होता है, वहाँ के हम लोगों को वहाँ के बुकर्स के साथ में अलग से बात करनी होती है, वहाँ के अलग हर सिनेमा का अलग क्राइटेरिया है। या तो एक ऐसा होना चाहिए कि एक ही ग्राफ बना दिया जाए और उस ग्राफ के अंदर फिल्में रिलीज़ की जाएँ। हाँ, वो डिपेंड करता है 300 स्क्रीन्स हों, 200 स्क्रीन्स हों, 50 स्क्रीन्स हों, 10 स्क्रीन्स हों, बट क्या है कि हो ऐसा कि एक जो है प्लेटफॉर्म से हम लोग पूरी फिल्म को पैन ले जा सकें। बट पैन ले जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, देयर इज़ नो अरेंजमेंट कि हम लोग पैन, अदरवाइज मैं भी चाहता हूँ कि पूरी इंडस्ट्री एक हो, हॉलीवुड एक है, उसमें अलग अलग साउथ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, बंगाली नहीं बनती हैं, वहाँ एक ही लैंग्वेज में फिल्म बनती है और वो एक ही बार में फिल्म रिलीज होती है, लेकिन हम लोगों ने खुद को ही अलग करके रखा हुआ है ना, कर भी क्या सकते हैं। मैम से जानना चाहूँगा, मैंने पूरा जो ट्रेलर देखा, मैंने ध्यान दिया कि मैं यही बोलना चाहूँगा, देखिए जैसे बाकी फिल्में हिट हो रही हैं सिनेमा के ऊपर, हिट कर रही हैं, और जैसे सर ने बताया कि पठान ने इतना ब्रेक कर दिए रिकॉर्ड्स, तो हर फिल्म को वैसा मिले और अपनी भी फिल्म आ रही है, तो अभी क्या है ना कि ऑडियंस तो खैर ऑडियंस की नज़र में तो अभी छोटा वाला नहीं रहा, जो क्लिक होना है वो होना है, वो पसंद आएगा जो आएगा। बट क्या है कि मैसेज मेरा यही है, मैं मैसेज स्पेशली फिल्म से तो कुछ नहीं देना चाहता कि फिल्म तो मर्डर मिस्ट्री है, एक नॉर्मल सारी स्टोरी सब सेम ही होती हैं कहीं ना कहीं घुमा करके। बट क्या है कि मैं पर्सनली बोलना चाहूँगा कि फिल्म को ज़रूर देखें लोग जा करके, क्योंकि इस फिल्म के अंदर उन लोगों को थोड़ा डिफरेंट मिलने वाला है, जितनी मर्डर मिस्ट्रीज आज तक बनी हैं उनसे थोड़ा डिफर होगी फिल्म, इंटरवल से पहले कुछ और है और इंटरवल के बाद कुछ और है, मतलब मज़ा आएगा एकदम ओवरऑल कि हाँ दो फिल्में एक ही फिल्म के अंदर देखने को मिल सकती हैं लोगों को, वैसा कुछ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
आई थिंक एक तो टेलीविजन का शो स्टार भारत पे चल ही रहा है धीरे धीरे से, एंड देयर इज अनदर प्रोजेक्ट आई थिंक मेरे हिसाब से आई ऑनेस्टली कांट टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट राइट नाउ, सो अगर मतलब मैं कुछ बोलूँगा तो वो एक तरह से बैकफायर ना हो जाए, बट ऑल आई कैन से इज़ कि इस समय हम फिल्म इस फिल्म की बात कर रहे हैं, इट्स एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे ऑल ऑफ अस हैव वर्क्ड वेरी वेरी हार्ड, इंक्लूडिंग द प्रोड्यूसर, शी इज़ ऑल्सो द लीड एक्ट्रेस, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर संदीप जी, वी हैव सम फाइन एक्टर्स लाइक आर्य बब्बर, वी हैव अंकित बातला, आई एम अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, सो वी रियली वर्कड हार्ड ऑन द फिल्म एंड आई एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग दिस इंटरव्यू प्लीज गो एंड वॉच आवर फिल्म एंड आई एम श्योर इट्स अ मर्डर मिस्ट्री बट इट्स समथिंग दैट विल get you to think a lot and you will really really enjoy yourself. thank you so much मुझे लास्ट पता लगा उनकी शादी हो गई थी, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, छोड़ के चले गए आप जिस तरह से उनके हस्बैंड चले, नहीं I honestly मुझे इतना मालूम था उनकी शादी हुई है, अब आगे क्या हुआ है I have no idea, क्योंकि अब यही सब मैं न्यूज़ देखता रहूँगा तो काम कौन करेगा नहीं बट ऑनेस्टली आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर राखी, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, जब भी मिलता हूँ उनकी तरफ से बहुत रिस्पेक्ट मुझे दी जाती है, एंड शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बींग, एंड शायद ये समय है दौर है जहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ परेशानी से वो गुजर रही हैं, जितनी लड़ाई वो लड़के आ चुकी हैं तो ये लड़ाई उनके लिए बहुत ही छोटी सी है, समय की बात है वो वापस खड़े हो जाएंगी और जैसे आप उनको देखते आए हैं वो वैसे ही वापस बन जाएंगे। ओके थैंक यू ओके सबसे पहले अंकित जी क्या कहना चाहेंगे सब किरदार के बारे में बताइए, हमने ट्रेलर तो देख ही लिया है, सस्पेंस थ्रिलर से भरा हुआ ट्रेलर है, थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में हमारी ऑडियंस को बताए कि किस तरह का किरदार है, कैसा एक्सपीरियंस रहा। पहले तो मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, हम लोग बहुत ही लकी हैं इस फिल्म को लेकर, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म आप सबको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ट्रेलर तो आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आई होगा। यू नो हम लोग नैनीताल गए थे एंड संजीव भाई बताएंगे आपको कि बर्फ़ पड़ गई और यू नो द सडनली द फिल्म स्टार्ट्स लुकिंग गॉर्जियस और हम में से कोई ठंड के कपड़े कैरी नहीं कर रहा था एंड जो मिला वहीं से पहन के हम लोग ने यू नो वी काइंड ऑफ वर्कड अराउंड इट। सो दो अजनबी मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि यू नो ऑफकोर्स संजीव भाई की ये फिल्म है जो बहुत ही अच्छी तरह से लिखी हुई है, अनु की पहली फिल्म है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड फॉर मी आई थिंक जो कैरेक्टर है वो मैं एक्चुअली रिवील नहीं करना चाहता आपको, लेकिन सारी जो भसाड़ मचाई है ना वो इसी कैरेक्टर की वजह से मची है। तो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें रोमांस है बहुत सारा, यू नो बहुत ही खूबसूरत रोमांस है, कुछ गाने हैं जो हमने किए हैं, साथ में थ्रिलर है, अमन जी हैं, यू नो आर्या है, सो इट्स गोना बी रियली गुड फन। सर आप बताइए अंकित के बारे में कि उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। मैं मतलब आई हैव नो वर्ड्स कि जितना कोऑपरेटिव एक्टर्स मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, बट इट वाज अमेजिंग, इतना मज़ा आया काम करना। एक्चुअली क्या था ना कि हम लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा रहा ही नहीं कि हम लोग फिल्म कर रहे हैं, वहाँ हम लोगों को लगा कि वी आर ऑन टूर, वी आर ऑन पिकनिक, और जैसे बताया कि स्नोफॉल हो गया सडन, तो अलग ही मतलब कुछ कह नहीं सकता, आई हैव नो वर्ड्स। और काम वाइज तो अगर मैं बात करूँ वर्क वाइज तो ही इज़ अमेजिंग एंड ब्रिलियंट, मतलब वन टेक नो डाउट, सो मैनी टाइम्स इन्होंने अभी क्योंकि अनु न्यू थे, क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है जब नया बंदा होता है, बट वैसा फील ही नहीं होने दिया, और मेरी तरफ से तो जितना बना मैंने किया, बट इवन अंकित भाई ने भी काफ़ी जो है इनको संभाला। संजीव भाई की अगली पिक्चर भी मैं ही कर रहा हूं। डेफिनेटली वी आर प्लानिंग ना, वी आर प्लानिंग समथिंग लाइक जी। अनुज जी सर प्रोड्यूसर भी है मैम और एक्ट्रेस भी है, जब मुझे पहले दिन मैंने पूछा कि तो मैं ये फिल्म मैंने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था और संजीव भाई ने मुझे कन्विंस किया था,
सो दैट वाज इट. लेकिन जब मुझे पता चला कि प्रोड्यूसर हैं और यू नो वो हैं वहाँ बैठी हैं मुझे लगा यार लेडी प्रोड्यूसर है, पता नहीं क्या होगा. फिर पता चला कि एक्ट्रेस भी हैं, तो मुझे लगा यार अब मैं करूँ ढंग से एक्टिंग नहीं करूँ, यू नो देर इज़ अ दिस थिंग. प्लस इनकी पहली फिल्म है. बट अनु ने बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया एंड यू नो आई मस्ट से पहली फिल्म के यू नो होने के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. हमारे जो रोमांस और जो गाने हैं वो बहुत ही अच्छे हैं एंड आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आएंगे. वैलेंटाइंस डे तो अब चला गया लेकिन ये अगले वैलेंटाइंस डे तक चलते रहेंगे आई एम श्योर. क्यों अनु? इंशाल्लाह. बहुत अच्छा था, इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद अनु. एंड इसने हमें कहीं फील नहीं कराया कि मैं प्रोड्यूसर हूँ और यू नो मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ. बट आई थिंक ये बहुत कोऑपरेटिव है, सो इट वॉज अ गुड टीम, अ फैमिली. लाइक शेयर कीजिए एंड ऑफकोर्स हमारे गानों पर रील्स बनाइए, हमें टैग कीजिए ताकि हम उसे रिपोस्ट कर सकें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू. सर अंकित सर और मैडम का एक सिंगल साथ में चाहिए.